सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर प से लेकर म तक, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने भ तक ऑलरेडी करा दिया है, मैंने करा दिया है, और उसके आगे का लेटर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। पता ही है कि हम लोग हिंदी कॉन्सोनेंट्स पढ़ने वाले हैं, क से लेकर ह तक, और ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं क से लेकर ह तक, जिसमें हम लोग अभी फिफ्थ लाइन में हैं। प ह ब भ, ये हम लोगों ने कर लिया है। लास्ट जो लेटर जिसमें आप देख सकते हैं कि म है, म से मछली, आज हम लोग इसे लिखना, कैसे प्रोनाउंस करना है और इसके कौन कौन से पिक्चर्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये प से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प से पतंग, प से पपीता, प से पड़ी। याद है बच्चों, जब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, याद रखिएगा और ठीक है, मतलब इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ह से फल, ह से फव्वारा, थ से हली। आगे बढ़ते हैं। ब से बरगद, ब से बतख, ब से बकरी। आज का जो नया लेट भ से भी हम लोगों ने किया हुआ है, भ से भवन, भ से भालू, भ से भगत। और आज का जो लेटर है वो है कौन सा, म। तो इस म को हम लोग लिखते कैसे हैं, पहले मैं ये बताऊंगी। ये बहुत ही इजी है बच्चों। कैसे इजी है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है लेटर भ, है ना। तो भ की तरह ही हमें इसे लिखना है, एक स्टैंडिंग लाइन और एक लेफ्ट साइड में ट्रायंगल की तरह बनाएंगे और एक स्लीपिंग लाइन, फिर ऊपर से लेकर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसे कवर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लेटर म। और इसे याद रखिए कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दोनों लिप्स को एक साथ टच करके। तो ये क्या हो गया, म, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, स्टैंडिंग लाइन, ट्राइंगल, स्लीपिंग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन और कवर। तो ये हो गया लेटर म। अब म से कौन कौन से पिक्चर्स हैं वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं, है ना। तो म से हमारे पास पहला जो पिक्चर है वो है मछली। कुछ लोग मछली अपने घर में रखते हैं, उसे घर में एक्वेरियम में रखना अच्छा माना जाता है, और कुछ लोग मछली को खाते भी है, है ना। तो ये म से मछली। म से मदारी। ना मदारी क्या होता है बच्चों, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एक बंदर है जो कुछ डांस वगैरह कर रहा है, तो उसको डांस कराने के लिए जो मदारी है, जो पर्सन उसके पास बैठा हुआ है, वो उसे इंस्ट्रक्शन देता है। वो बोलता है कि अब ये करो, वो करो, डांस करो, उछलो, ये कूदो। तो उस पर्सन को कहा जाता है मदारी, जो कौन से लेटर से स्टार्ट होगा, म से। म से मदारी। नेक्स्ट है म से मगर। मगर की स्टोरी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, म से मगर। ये तो ये जब हम लोग देख रहे हैं कि म, ये दोनों लिप्स हमारे टच हो रहे हैं इसे बोलने में, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। म से मछली, म से मदारी और म से मगर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब एक बार इन सभी लेटर्स को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। प इजी है, यू और स्टैंडिंग लाइन कवर। नेक्स्ट लेटर है अगेन यू, स्टैंडिंग लाइन, तो ये हो गया लेटर प। और यहाँ से उल्टा यू करेंगे तो ये हो जाएगा लेटर ख। नेक्स्ट क्या है, ब, स्टैंडिंग लाइन और एक सर्कल, और इसे क्या करेंगे, कट, तो ये हो जाएगा ब। नेक्स्ट है, उसे एक सर्कल के साथ स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे
और स्लीपिंग लाइन ले लेंगे और फिर स्टैंडिंग लाइन से के ऊपर यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा भ प भ ब भ। अब लास्ट जो लाइन लेटर है इस लाइन का वो बिल्कुल भ की तरह है जो आज हम लोगों ने पढ़ा है म। इस तरह से हम लोग म लिखेंगे और इसे कवर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा लाइन प ह ब भ म, है ना बच्चों? आगे है इसको कैसे हम लोग एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प, याद रखिएगा दोनों लिप्स टच होंगे, प फ ब भ म, ठीक है बच्चों? अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अपने, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, उन्हें भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। इन सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।